तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि बाल को गिरने से कैसे रोकें। इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने बाल को रोकें कैसे गिरने से। अगर आपका बाल बहुत झड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि कुछ तरीके हैं उसे इस्तेमाल करके अपने बाल को गिरने से रोक सकते हो, उसे बचा सकते हो और घना भी कर सकते हैं। अगर आप झड़ते हुए बालों को रोकना चाहते हो, उसे कम करना चाहते हो या फिर उसे बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हो, तो आपको पहले नंबर पे आपको क्या करना है कि आपको हफ्ते में 2 बार आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है, उसको प्रयोग करना है। अगर आपको हफ्ते में 1 बार टाइम मिलता है या फिर आपको 2 बार टाइम मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम में, आप क्या कर सकते हैं कि उस एलोवेरा जेल को आपको क्या करना है कि आपको अपने बाल में अप्लाई करना है और उसे अच्छी तरह अप्लाई करके आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको उसको ऐसे लगा कर रखना है। उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है या फिर आप बाल को धो सकते हैं। एलोवेरा से क्या होगा कि आपका बाल जो होगा स्ट्रांग होगा और आपके जो बाल होंगे सिल्की हो जाएंगे और स्ट्रांग भी हो जाएंगे और स्मूथली हो जाएंगे जो आपके बाल होंगे। और आप देखोगे तो आपका जो बाल है वो बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हफ्ते में कम से कम 3 या 2 बार आपको बाल धोना है। और जब आप बाल धोते हो, कई लोग होते हैं बाल धोने के बाद ड्राई कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि ड्राई से क्या होता है कि हमारे बाल जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं, उसे जल्दी टूटने लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि हफ्ते में जब आप 2 बार बाल धोते हो या फिर 3 बार धोते हो, तो आपको क्या करना है उस दौरान आपको नेचुरली उसे सुखाना है, आपको टॉवल से सुखाना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पक्खे के सामने बैठ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप क्या कर सकते हो कि आप ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि दिन में कम से कम आपको 2 बार अपने बाल को कंघी करना है। और जब आप कंघी कर लोगे तो आपको क्या करना है कि जब आप रात को सोने लगोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप दिन में कंघी कर लेते हैं 2 बार, तो जब आप रात को सोने लगते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको बाल में अपने तेल लगाकर सोना है। अगर आप बाल में तेल ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, चिपचिपा बिल्कुल करना नहीं चाहते, अगर आपको अगले दिन कोई काम नहीं, अगर आप छुट्टी पे हैं या फिर आप फ्री हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बाल में पूरे अच्छी तरह तेल लगा सकते हैं और उसे पूरी रात को रख सकते हैं। अगर आपको कल जॉब पे जाना है, अगर आपको तुरंत नहाकर जॉब पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बाल के लास्ट वाले हिस्से पे तेल लगाकर सो सकते हैं। क्या होगा कि जो आपका बाल का लेंथ है वो भी बढ़ेगा और उससे क्या होगा कि आपका जो बाल है वो भी स्ट्रांग होगा। अब आखिरी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा अपने बाल को खुला नहीं रखना है, उसे बांध कर रखना है। आपको क्या करना है, उसे समेट कर रखना है। अगर आप उसे खुला रखते हैं तो क्या होता है कि आपका बाल ज़्यादा टूटने की संभावना बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि आपके बाल जो है तेज़ी से झड़ने लगता है, आपके बाल कहीं पे भी अटक जाते हो, या फिर आप जब बाल अपने बार बार अपने बाल को खुला रखते हो तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि आपके बाल खिंचाव पड़ते हैं, कहीं पर अटक जाते हैं। अचानक से उठते हो तो आपको खिंचाव सी महसूस होती है, आपके बाल खींचे जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके बाल जल्दी टूट जाते हैं और पतले हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बाल को बांध कर रख सकते हैं। आप ज़्यादा कोशिश करें अपने बाल को बांध कर रखें ताकि आपके बाल ना टूटे। उससे क्या हो कि अगर आपका बाल बार बार टूटेगा तो उससे क्या हुआ कि आपके बाल पतले हो जाएंगे और आपके बाल कमज़ोर भी हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने बाल का खुला नहीं रखना है ज़्यादा, आपको अपने बाल को समेट कर रखना है। अगर आप अपने बाल को टूटने से बचाना चाहते हैं, अपने बाल को ग्रोथ भी कराना चाहते हैं, तो आप इन सब चीज़ को ध्यान रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, जिससे आपके बाल ना टूटे और आपके बाल सिर्फ बड़े हों और ग्रोथ और घने हों। अगर आप ये चाहते हैं तो अपने बाल को टूटने से रोकें ताकि जो आपके बाल हैं वो लॉन्ग हो और आपके बाल जो है बड़े हो जाएं। तो आपको क्या करना है कि हफ्ते में 2 बार एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। आपको अपने बाल को अगर बड़ा करना है या फिर आपको स्ट्रॉन्ग करना है या फिर उसे रोकना है।